फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सब कैसे हैं? तो मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं तवासन, तो मैं आज आप लोगों को तवासन मॉल का विजिट करवाऊंगी। अभी वेदर क्लाउडी था और आप देखेंगे वेदर कितना अच्छा है, और यहाँ पर धूप निकल आई है और वहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि वहाँ से क्लाउडी है और यहाँ पे सनी है। हम लोग आए हैं टिम हॉर्टन्स और अब यहाँ पर बाबा ने लेनी है चाय और कॉफ़ी। यहाँ पर ये हम ड्राइव थ्रू से ले रहे हैं। यहाँ पर देखे कि कितनी लंबी लाइन है और अभी हम अपना ऑर्डर देने लगे हैं आगे जाकर। Hi there. Hi, one large French vanilla. An ice cream. One small steep tea, two cream, half honey. Ice cream. Small steep tea, two cream, half sugar? No, honey. Half honey? Yes. Anything else? No, thank you. Have a hat, please. Ice cream, mera bachcha bhi weather nahi aaya, thanda nahi hua. Order de diya. अब यहाँ से हम ऑर्डर पिक कर रहे हैं। मुमताज क्या मांगनी थी मगर बाबा ने इसकी तबीयत की वजह से इसको नहीं लेके दिया। 170, how would you like to pay? By card. जी, हमने ऑर्डर पिक कर लिया और अब हम टिम हॉर्टन्स से निकल गए हैं। था जो है ना बाबा से आर्ग्यूमेंट कर रिया कि बाबा ने इसे आइस कैप क्यों नहीं लेके दी, तो बाबा आपने क्यों नहीं लेके दी इसे? तासीर गर्म होती है, तासीर का पता मंगता क्या होती है? मुझे पता ही नहीं। जो हम मैंगो खाते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं हम कच्ची लस्सी पी है या पानी पिए हैं, क्यों कहते हैं? मुझे नहीं, ये भी नहीं पता। क्या वो उसमें ना हमारे अंदर जो गर्मी पैदा होती है, हाथ पाँव पे पसीना आता है, इस वजह से आता है। लेकिन हम वाटर मेलन खाते हैं तो वो खाने से ठंडा होता है, कहते हैं ये खाए और उसके बाद हम कहते हैं पानी भी नहीं पीना, कहते हैं ना वाटर मेलन खाने के बाद पानी भी नहीं पीना। तो उसमें देखे पानी भी होता है वाटर मेलन में और उसके तासीर जो उसका रिजल्ट होता है वो भी ठंडा होता है, वो हमारे ब्लड को ना ठंडा रखता है वजह से। तो इस वजह से हमने आपको वो आइस कैप नहीं देखे कि आपके हाथ पाँव में पसीना ना आए। नहीं आता है, हाथ नहीं आता। तवासन जाते वक्त ये सारा यहाँ पे ब्लूबेरी फार्म है, हम के अंदर जाके ब्लूबेरीज को तोड़ भी सकते हैं और खुद आकर बाय भी कर सकते हैं। ये फार्म ब्लूबेरीज का भी क्लोज है क्योंकि ब्लूबेरी का भी सीजन नहीं आया। बेरीज यहाँ पे जून के मंथ में आती हैं और जो कि बहुत ही टेस्टी होती हैं। ये अब हम ब्रिज के ऊपर है, ये तवासन जाते हुए रास्ता है तवासन का। यहाँ पर आप सारे देख रहे होंगे कि सारी लैंड है, नहीं एक्चुअली हॉर्स नहीं है, काऊ है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखिए आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा कैमरे में कि प्लेन जा रहा है। समर में ओपन होता है, तवासन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। और फाइनली ये तवासन मॉल आ गया है और अब हम पार्किंग फाइंड करेंगे और फिर हम तवासन के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे ये सारा तवासन मॉल का पार्किंग एरिया और यहाँ पर आज बहुत क्वाइट है, लगता कि आज ज़्यादा लोग नहीं आए तवासन मॉल में। तवासन मॉल की एंट्रेंस है, ये गेट नंबर 4 है। वैसे तो इसके बहुत सारे गेट्स हैं मगर हम इस गेट से एंटर हो रहे हैं। ये कोर्ट है जिसमें बच्चे आके बैठते हैं और फिर यहाँ पर आप लोग पे करते हैं और फिर वो ये यहाँ से पे करते हैं और फिर ये फ्रंट वाली निकलती है और इस पे ये टैब भी लगी हुई है। अब हम मार्शल्स में एंटर हो रहे हैं। हाय, और यहाँ पे ये सारा मार्शल्स है, ये शूज वाला सेक्शन है, यहाँ पर ये सारे शूज वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने लिखा होता है कि किसका कौन सा साइज है और फिर
यहाँ पे ये 6 साइज के पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये सारे क्लोथ्स वगैरह, ये सारा स्टोर है मार्शल्स का। ये मेकअप वगैरह भी लगा हुआ है और स्किन प्रोडक्ट्स भी लगी हुई है। यहाँ पर ये प्ले एरिया छोटा सा, इधर ये छोटे छोटे से तो लगी हुई। यहाँ पर सारा प्ले एरिया से मैंने आप लोग को थोड़ा सा व्लॉग शूट करके दिखा दिया और अब हम लोग गैप पर जा रहे हैं। यहाँ पर मॉल के अंदर ही फूड कोर्ट के साथ आइसक्रीम की शॉप है, आइसक्रीम शॉप है और ये यहाँ पे सारा फूड कोर्ट है। यहाँ पर सारा फूड कोर्ट है, यहाँ पर ये सारी शॉप्स हैं, सामने गैप का स्टोर है। पर थोड़ा सा आगे है फूड कोर्ट के तो ये चेन्नम की शॉप है और अब मैं चेन्नम के अंदर जा रही हूँ। मॉल के अंदर आउटडोर वर्ल्ड और यहाँ पर आप इसके अंदर जाएं तो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, मैं जाकर दिखाती हूँ। ये हम आउटडोर वर्ल्ड के अंदर आए हैं और यहाँ पर ये देखे ये फिट्स हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं यहाँ से। और ये वाली फिश तो यहाँ पर स्टक है, ये रियल भी है बट इट्स नॉट रियल। और ये सारी आउटडोर वर्ल्ड है। अब और आगे यहाँ पर ये गैस की शॉप है और मैं गैस की शॉप के अंदर जा रही हूँ। आई हूँ अब मैं मैक के स्टोर पर और ये सारा मैक का स्टोर है। माइकल कोर्स है जो कि बहुत कॉस्टली होती है और अब मैं इसके अंदर जा रही हूँ। वहाँ पर अब ये ब्रांड है टॉमी और अब हम टॉमी के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पर ये सारा मॉल के अंदर ये सीटिंग एरिया उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर लोग भी बैठे हुए हैं और डेकोरेशन भी की हुई है। आप देखें कि इन्होंने डेकोरेशन भी की हुई है और ये बियर भी बनाया हुआ है। यहाँ पे ये बियर सारा फ्रंट से एंट्रेंस नंबर 3 है और यहाँ पर एंटर होते साथ ही ये सारी भी सीटिंग एरिया उन्होंने बनाई हुए हैं। देखें इन्होंने ये भी डेकोरेशन की हुई है और यहाँ पर ये भी बनाए हुए हैं, इन्होंने कुल्फ भी बनाया हुआ। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ये भी बनाया हुआ, सारे इस तरह के डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं और यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर ये बच्चों का प्ले एरिया मगर ये भी क्लोथ है क्योंकि कोविड की वजह से, और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं जहाँ जो प्ले करते हैं, फिर पेरेंट्स इधर बैठ जाते हैं। पर देखें कि कितना अच्छा वेदर हो गया, बहुत अच्छा सा वेदर हो गया, पार्किंग भी खाली हो गई है, इतने सारे लोग भी नहीं हैं और हम लोग भी अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर हो गया। देखें यहाँ पर ये कार्गो ट्रेन जा रही है और मुंथा इसको काउंट करने की कोशिश कर रही है, अगर इसने सारे काउंट कर लिए। पर देखें कि बहुत लंबी, ये रेस्टोरेंट से स्वीट मिलती है, ये हमने भी लिया, बाय किया, ये बहुत मज़े की है। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होती है और अमीन को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, हम जब भी जाते हैं यही लेते हैं। साथ हमने इसके ये शॉर्मा भी लिया जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मैं फाइनली अपने ब्लॉग का एंड करने लगी हूँ, अब हम घर जा रहे हैं, ट्रिप का टाइम हो गया। देखिए बारिश भी बहुत हो रही है। अभी मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।